हाय फ्रेंड्स, लास्ट टाइम पे हमने FPI डाटा को लाने के लिए यहाँ पर इंपोर्ट HTML फंक्शन का यूज़ किया था। और इंपोर्ट HTML फंक्शन को यूज़ करने के टाइम पे हम उस टाइम पर डाटा को पार्स कर पा रहे थे, डाटा हमारा आ रहा था, फेच कर पा रहे थे। यूँ कहें कि वेब स्क्रैपिंग के थ्रू हम डाटा को अपनी शीट में ले आ पा रहे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि ये इंपोर्ट HTML फंक्शन के थ्रू डाटा आना बंद हो गया है अभी। तो देखिए, मैं आपको इसका एक पहले तो सॉल्यूशन बता देता हूँ। जितने लोग शीट यूज कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो उसके लिए एक टूल यूज कर सकते हैं, क्रोम का एक्सटेंशन है। वो क्रोम एक्सटेंशन आप यूज करके डाटा को कैप्चर कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि मैं आपको उस पर्टिकुलर सीट का, जो मैं इस वाली सीट का ट्यूटोरियल बनाना शुरू किया था पार्ट 1 में, और उसके बाद ये इशू हुआ, फिर काफी टाइम मैं लगा रहा इसको सॉल्यूशन ढूंढने में, बट अभी तक भी कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिला। तो उसके लिए मैंने उसका सब्स्टिट्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं कि उससे मिलता जुलता सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ। इस वाले सॉल्यूशन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे वो एक्सटेंशन यूज करके आप कर सकते हैं। ये आपको एक्सटेंशन मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो दूसरा है कि मैं आप लोगों के लिए वो शीट ऑलमोस्ट 60 to 70% काम खुद ही मैंने करके दे दिया है। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो। मेरा अल्टीमेटली यहाँ पर जो आपके लिए होता है कि आप लोग इस टूल को कितनी आसानी से यूज कर पाए, कितनी आसानी से इसको आप ले सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। इस शीट में ध्यान से देखिए, ये वाली शीट है जिसमें आपने काम किया था, और अभी नॉट एप्लीकेबल या एरर्स या फॉर्मूला पार्स एरर्स, ऐसे बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। इसमें हमारे पास 4 शीट थी, जिसमें एक सेक्टोरियल एनालिसिस के लिए थी, दूसरी FPI मॉनिटर ने बनाया था, क्लीन डाटा हमने किया था, रॉ डाटा लेकर के उसको क्लीन डाटा में कन्वर्ट करने के लिए हमने शुरू किया था। तो ये वाली जो शीट है यहाँ पर, ये सेम सीट है। आप देखिए, मैंने यहाँ पर आपको दूसरे नाम से यहाँ शीट अभी बना लिया है, FPI सेक्टोरियल एनालिसिस, ओके, AUC डाटा है ये। इसमें भी मैंने वही सेम सीटें रखी हैं, रॉ डेटा रखा है। तो रॉ डेटा का मीन्स ये है कि रॉ डेटा यहाँ पर अपने को आएगा, और उसके बाद उसको हम डाटा को क्लीन करके ऐसे इस फॉर्मेट में लेके आएंगे, रिकॉर्ड करेंगे उस डाटा को। उस डाटा को रिकॉर्ड करने के बाद में अपने को जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि FPI का हम मॉनिटर बनाएं, जिसमें हम लास्ट के 15 डेज में क्या एसेट अंडर कस्टडी में चेंजेस हुए हैं, ये लास्ट के 15 डेज होंगे, तो इसमें क्या नेट चेंजेस हुए हैं वो अपने को दिखाई देगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से ये बिल्कुल अपनी शीट में होता है। यहां पर मैं एक शीट ओपन कर रहा हूं, जो मेरी मेन शीट है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सेक्टोरियल डैशबोर्ड है। ऐसा डैशबोर्ड मैं आपको अभी इसमें दिखा दूंगा कि किस तरह से बनेगा ये, और किस तरह से मैं बना करके आपको रेडीमेड करके दे दूंगा। यहाँ पर टेम्पलेट दूंगा, आपको डाटा वगैरह खुद ही पुल करना है, डाटा वगैरह सेव करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम वर्क मैं आपको इसी शीट में करके दे दूंगा। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने मतलब आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यहाँ कि आप जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट का डाटा यहाँ आप ले सकते हैं। ओके, जो भी डेट आपको सेलेक्ट करना है, ओके, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो ये ऐसा वाला काम हो जाएगा FPI मॉनिटर, ऐसा आप लास्ट के 15 डेज में नेट इन्वेस्टमेंट है या नेट चेंज है एसेट अंडर कस्टडी में, वो आपको वहां पर मिल जाएगा यहाँ। ओके, यहाँ आप चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है, वो बाद का काम रहेगा। जितना अच्छा आप इसको बनाना चाहेंगे, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा। ओके, अभी देखते हैं इसमें कि कहाँ से मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल एक्सटेंशन पे जाना है, गूगल क्रोम एक्सटेंशन। ओके, गूगल क्रोम एक्सटेंशन आपको ये टाइप करना है अपने, और आपके क्रोम ब्राउजर में ये होना चाहिए। आपके क्रोम ब्राउजर में जैसे एक्सटेंशन ओपन होगा, यहां पर आपको सर्च करना है ये वाला पर्टिकुलर टूल। देखिए, ये है आपका टेबल कैप्चर वर्कशॉप। ओके, आप यहां पर टाइप करिए टेबल कैप्चर। ओके, टेबल कैप्चर आप टाइप करेंगे तो टेबल कैप्चर टाइप करने के बाद आपको इस तरह के कुछ टूल्स मिल जाएंगे। ओके, तो इनमें जो सबसे पहला वाला टूल्स है, ये यही है, ऑलरेडी ऐड किया है मैंने, तो इसलिए मुझे ये दिखा रहा है।
टेबल कैप्चर, ओके, जॉर्ज माइक, georgemike.com, इसमें पेड वर्जन भी है, फ्री वाला भी है, फ्री वाले से भी आपका काम हो जाएगा, ओके। तो ये वाला जब आप इसको एक्सटेंशन को यूज कर लेंगे, एक्सटेंशन को इसको आपको इंस्टॉल करना है, और एक्सटेंशन आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको यहां पर नहीं दिखे तो इसको आपको बाहर लेके आना है, ओके। यहां पर क्लिक करेंगे, उसको पिन कर लेना है, जैसे ई रेल है तो इसको आप यहां पर पिन कर सकते हैं, ओके। तो उसको आपको पिन कर लेना है, आप यहां देखिए टेबल कैप्चर को मैंने पिन कर रखा है, ओके। अब इस टेबल कैप्चर वाला जो एक्सटेंशन है, इसके थ्रू हम लोग डाटा कैप्चर करेंगे, बिकॉज अपना प्रॉब्लम जो है वो इम्पोर्ट एचटीएमएल फंक्शन में है, टेबल कैप्चर करने में नहीं। टेबल हम बाहर बाहर से कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। सपोज दैट ये अपने पास अभी एफपीआई का डाटा है, ओके। तो एफपीआई का डाटा अभी आप इसमें कैप्चर करने के लिए जाएंगे यहाँ, तो अभी आपको इम्पोर्ट एचटीएमएल के थ्रू एरर दे रहा है, इम्पोर्ट एचटीएमएल फंक्शन यूज कर रहे हैं तो एरर दे रहा है। लेकिन हम इस सेम डाटा को कैप्चर कर सकते हैं, कैसे? ये सेम डाटा को, एक तो आप ये सोचते हैं कि यहां से सेलेक्ट ऑल किया और कॉपी कर लिया, वो सही मेथड नहीं है। वो क्यों नहीं सही मेथड है, मैं आपको यहां दिखाता हूँ। एक नई शीट यहां पर ले लेते हैं टेस्ट करने के लिए। अब आप देखिए, नई शीट में आप जा करके वहां, सपोज दैट अपने को कहां पर ये डाटा चाहिए, B4 सेल में, B4 सेल से शुरू हो और जहां तक भी ये डाटा पेस्ट कर पाए, जैसे अपना आता था पहले डाटा इंपोर्ट एचटीएमएल फंक्शन के थ्रू, वैसे ही अपने को पेस्ट करना है, सेम टू सेम। अपना स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ अपने को डाटा नहीं वहां से कैप्चर कर पा रहे हैं। और मैं यहां बता रहा हूं आपको कि डाटा जो कैप्चर करना है उसके लिए, ओके। अभी मान लीजिए यहाँ टेस्ट शीट मैंने ओपन किया, और टेस्ट शीट में मैं उस डाटा को जो यहाँ पर मैंने कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी दबा करके मैंने कॉपी किया है, ओके। कंट्रोल सी दबा के कॉपी किया, यहां आकर के मैं अगर बी फोर में ही अगर मैं पेस्ट करने के लिए सोचता हूं, तो कुछ ऐसा डाटा ये इस तरह का पेस्ट हो जाता है, ओके, यहाँ। लेकिन यहां आप देखिए, हमें इन इंफॉर्मेशन की नीड ही नहीं होती है, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आते हैं, इनकी नीड नहीं होती है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कॉपी पेस्ट तो हो जाता है, लेकिन हमें कुछ चीजों की नीड नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, ये क्यों चाहिए, ओके। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इस चीज से बचने के लिए, या कुछ लोग ऐसे भी सिंपली उसको कॉपी पेस्ट करते होंगे तो वो भी नहीं आता होगा, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। इस डाटा को आप ऐसे एज इट, जब ये वेबसाइट ओपन करेंगे, सिंपली आपको जाना है यहां, ओके, आपको यहां जाना है, इसने कॉपी कर लिया है, ओके। अभी आपको क्या करना है, जो आपको टेबल चाहिए उस पर सिलेक्ट करिए, देखिए यहां सिलेक्ट किया, ये हुआ, यहां सिलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा आपका टेबल, जो भी टेबल आपको चाहिए वो हाईलाइट हो जाएगा, ओके। आपको इसीलिए इसमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है। आपने सपोज दैट ये वाला है, तो अपने को ये वाले पे कॉपी करना है, ओके। यहां जैसे ही आप कॉपी करेंगे, ये आपको एक नई शीट ओपन करके देगा, आप वहां मत पेस्ट करिए, वो शीट आप बाद में डिलीट कर दीजिए, ये मंथ में एक ही बार होगा, ओके। आप जस्ट यहां पर आइए, अपनी शीट में आना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, पेस्ट करना है यहाँ। यहाँ देखिए, यहाँ पहले इंपोर्ट एचटीएमएल वाला फंक्शन था, आपको सिंपली यहां पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के टाइम पे इसको पहले डिलीट कर देते हैं, और यहां पर पेस्ट करना है, सिर्फ पेस्ट करना है, कंट्रोल वी। जैसे ही आप कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी यूज करेंगे, कंट्रोल वी के बाद देखिए डाटा कैसा आया, वैसा आपका नहीं आया, सिर्फ टेबल कैप्चर किया है और कोई भी फालतू का इसमें नहीं है, ये पहले से है, ये चीजें पहले से है, ओके। आपको देखना है, आप देख सकते हैं, यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं, कंट्रोल जेड किया, उसको डिलीट किया, चलो अभी भी पेस्ट करके दिखा देता हूं। इसमें यहां पर जाएंगे और कंट्रोल वी करेंगे, जस्ट इतना करेंगे तो आपको ये जो टेबल है वो आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए ये पूरा टेबल आपका यहाँ आ गया, वैसा ही आया है जैसा आप इंपोर्ट एचटीएमएल के थ्रू करते थे, ओके। तब आपका इंपोर्ट एचटीएमएल फंक्शन यूज कर रहे थे, तब हो रहा था, लेकिन इस वेबसाइट ने अभी ब्लॉक कर दिया है, वेबसाइट अभी इस फॉर्मेट को हमें इंपोर्ट एचटीएमएल फंक्शन के थ्रू डाटा स्क्रैप करने के लिए नहीं दे रहा है, एक्सेस नहीं दे रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तो हमारे पास में ये सेकेंड मेथड है, ओके। नाउ अपने को ये वाला आप चाहो तो डिलीट कर दो, और चाहे ये चाहे तो आप डिलीट कर दो, कोई जरूरत नहीं है,
लेकिन आप चाहो तो रखो, रखे भी रहो यहाँ, तो आपको डाटा तो B4 में आपको पेस्ट करना है यहाँ पर। ओके, डाटा B4 में पेस्ट करना है। ओके, B4 यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आकर के पेस्ट करना है। यहाँ पेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपका बनेगा टेबल। ओके, ये टेबल आने के बाद जो मैंने ये शीट ऑलमोस्ट रेडी करके रख रखी है, तो यहाँ कहाँ आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आपको सिंपली, यहाँ देखिए डाटा आ गया। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो डाटा है आपका, इसको वाइट कर देता हूं मैं आपको। ओके, ये जो डाटा है, ओके, ये डाटा आपको कहां से आया? इस रॉ डेटा से आया। क्यों? आप यहां देखिए ध्यान से, 15 मार्च का डाटा है ये, 15 मार्च यहाँ डेट बन गई, और यहां पर जो डाटा आएगा वो 15 मार्च का आ गया। ओके, 15 मार्च का डाटा आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहां जाना है और अपडेट करना है, बस सिंपली अपडेट करना है। अपडेट करते ही ये पूरा डाटा आपका रिकॉर्ड हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट एक पेस्ट करना है। अभी भी, पहले भी ये था, पहले जो था मैं आपको बता दूं, आपको मैं दिखा देता हूं जस्ट एक सैंपल में। यहां इसको जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, ये आपका पेस्ट करेगा डाटा। ओके, गेट रेंज नल। ओके, शायद अभी मैंने ये नाम चेंज किया है, इसकी वजह से हो रहा है। मैं इसको अभी चेंज कर देता हूँ, ये कोडिंग पार्ट में आपको चेंज करके दे देता हूँ, बिकॉज ये कोड मैंने किया है, तो यहाँ से यूज कर लेते हैं। वो पहले रॉ डेटा उसका नाम लिख रखा है, अभी यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, ओके, ठीक है, यहाँ सेव करते हैं। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट मैं सेट करके दे रहा हूँ, फिर भी मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ और आपको मैं दिखा भी दूंगा कि कैसे अगर आप रेंज चेंज करना चाहें तो ये सब पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे मैंने कर लिया, ये डाटा है अपने पास, तो ये डाटा को मुझे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए सिंपली यहाँ जाना है और अपडेट कर देना है। अपडेट जैसे ही करेंगे, ये देखिए डाटा पेस्ट हो गया, देख रहे हैं? डाटा जैसे ही अपडेट हो जाएगा, यहाँ पर डाटा अपडेट होने के बाद यहाँ आपका डाटा आ गया। अभी क्या करना है, उसी टाइम पे यहाँ जाना है। ओके, एडिट पे फाइंड एंड रिप्लेस करना है। क्यों करना है, रीजन बता रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे कुछ नंबर में कॉमा लगा हुआ है और कुछ नंबर में कॉमा नहीं है। कुछ नंबर में कॉमा नहीं है, कुछ नंबर में कॉमा है। जिन नंबर्स में कॉमा नहीं है वो तो ऐसे नंबर्स में रीड करके ये कॉमा को नहीं रीड करेंगे, बट जिनमें कॉमा है उसकी वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक्स आ रही है। ओके, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, सिंपली फाइंड एंड रिप्लेस करेंगे और यहां पर कॉमा टाइप करेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। रिप्लेस ऑल जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए सारे अपने डाटा में रिप्लेस कर दिया उसको, सेव कर दीजिए बस। ये जैसे ही सेव होगा आपका, ये आपका दूसरी शीट में FPI मॉनिटर में आपका सेव हो जाएगा। डाटा सेव हो गया। डाटा सेव होने के बाद में आपका ये बता रहा है कि नेट 15 डेज में, या जो भी है, ये 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच में क्या चेंजेस हुए हैं वो बता रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 15 मार्च के पहले का आपको नहीं करना था। आप यहाँ जाइए, आप जो भी डाटा उठाएंगे वन बाई वन उठाइएगा, वन बाई वन मतलब डेट वाइज उठाइएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, एक्चुअली ये जो वेबसाइट है इसने अभी ब्लॉक कर दिया है इम्पोर्ट HTML फंक्शन को। अभी देखिए, फोर्थ राइट सेक्टर वाइज एंड ये FPI इन्वेस्टमेंट डाटा है, इस पे जा करके अगर आप जाते हैं जो पीछे से भी डाटा उठाना है तो सारे डाटा आप सेव कर सकते हैं इसमें। तो इसमें करने के लिए आपको, सपोज दैट आपको 15 फरवरी 2022 का करना है। ओके, इस पे आप सिंपली क्लिक करिए, या चलिए पुराना डाटा आपको लेना है यहाँ से लेना है, तो आप वन बाई वन करिए, पहले इसको लीजिए, फिर इसको लीजिए, फिर इसको, मतलब डेट वाइज करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, फिर आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी और जो आपका सही डाटा आना चाहिए वही आए। जैसे ये ओपन हो गया, ये वाला 31 दिसंबर 2021 का हुआ है, तो यहाँ जाएंगे हम सिंपली, और जो पहला वाला है जो यहाँ 49 मल्टीप्लाई 42 है, इस पे जा करके हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वो कॉपी हो जाएगा, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर वो अपने को कॉपी हो जाएगा यहाँ। ओके, जैसे ही कॉपी हो गया, कॉपी होने के बाद जो शीट ओपन हो रही है इसको हम बाद में डिलीट कर लेंगे,
और यहाँ आकर के अपने को यहाँ रॉ डेटा में आकर के अपने को यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर एक पेस्ट करना है। यहाँ डेट अपने आप चेंज हो जाएगी आपके जैसे ही पेस्ट करेंगे आप, दिखा रहा हूँ मैं आपको दिसंबर 2021 के, जैसे इसको हमने पेस्ट किया, देखिए दिसंबर 2021 का आ गया। ओके, दिसंबर 2021 का जो पेस्ट हुआ यहाँ, अब इसी को जा करके हम यहाँ देखेंगे क्लीन डाटा में, तो यहाँ दिसंबर 2021 का आ गया। ये दिसंबर 2021 का आपको फिर से मैं बता दूं, यहीं पर सिंपली जाना है, अपडेट करना है, दैट्स इट। प्रॉब्लम यहां देखिए, उसके बाद इसको कॉमा को हटाना है। ओके, यहां रिप्लेस ऑल करेंगे, रिप्लेस ऑल करते ही आपको जितने भी कॉमा है वो सभी हट जाएंगे इसमें से। ओके, रिप्लेस ऑल करना है आपको ये। ओके, जैसे पहले मैंने आपको बताया, सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट करना है और यहां पर जा करके रिप्लेस ऑल डन कर दीजिए। ओके, फिर आप इसको जा करके इसमें आपका दिसंबर का डाटा सेव होगा, ऐसे ऐसे करके आपका डाटा आ जाएगा। ओके, आप एफपीआई मॉनिटर पे आएंगे, देखेंगे यहाँ डाटा आ गया है। उसके बाद आप सेक्टोरियल एनालिसिस में आ जाएंगे, सेक्टोरियल एनालिसिस में आ जाएंगे, आप इसका नाम कुछ भी रखिए, बस एक ही सीट का नाम नहीं चेंज करना है जो क्लीन डाटा है। क्यों, इसको मैंने यहां पर देखिए क्लीन डाटा करके नाम दे रखा है। ओके, सीट को कोड में नाम दे रखा है, जो मैं वो पर्टिकुलर डाटा रिकॉर्ड करने के लिए मैंने यहाँ दे रखा है वो इस तरह से कर रखा है। ओके, अब यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए इसमें आपको जो डाटा मिल रहा है यहाँ, ओके, इसमें जो आपको डाटा मिल रहा है ये आपका एफपीआई मॉनिटर में रिकॉर्ड हो रहा है, और इस एफपीआई मॉनिटर से आपको डाटा उठा करके सेक्टोरियल एनालिसिस में लेके आना है। यहां पर लाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, वो सेक्टर सारे कॉपी पेस्ट करने हैं। ओके, सेक्टर सारे कॉपी पेस्ट करने हैं आपको, उसके बाद आपको इस तरह का फॉर्मेट बना लेना है। ओके, इस तरह का, तो जैसा आप देख रहे हैं यहां मैं फॉर्मेट अगर चाहूं तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ओके, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। पे जाएंगे, इसमें पेस्ट कर देते हैं। ओके, देखा आपने, अभी यह है, इसमें मैं यहां पर जो ये रेड ग्रीन है ये सारा हटा देता हूँ, बिकॉज इसकी बाद में इसका बाद में यूज होगा, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे तो यहां अभी मैं क्या करता हूँ, सारा रिमूव कर देता हूँ ये कलर वगैरह। ओके, अनवांटेड कलर्स हैं अभी एट द टाइम। और यहां पर देखिए, यहाँ आपको सेम ये चीजें आप बना सकते हैं, ये डेट तो अपने आप आ जाएगा, आप चाहें तो इस तरह का यूज कर सकते हैं। ओके, यहां देखिए, ओके, ये सब आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल चीजें हैं ये। यहाँ पर जा करके, यहाँ जा करके इसको सेंटर में कर देते हैं, इनको कलरफुल आप कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कलरफुल कर सकते हैं। ओके, यहाँ सेक्टर आप डाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ आपको वी लुकअप फंक्शन यूज करना है, आपको यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन यूज करना है यहां से। ओके, कि पर्टिकुलर इसकी वैल्यू क्या है, पर्टिकुलर इस सेल में ऑटोमोबाइल की वैल्यू क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, डेट की रिस्पेक्ट में, उस डेट, वो जो डेट है उस डेट को ऑटोमोबाइल में क्या एसेट अंडर कस्टडी का चेंज हुआ था, तो इसीलिए यहां पर जो डाटा आएगा वो आएगा आपका वी लुकअप फंक्शन के थ्रू। वो डाटा हम कहां से उठाएंगे, यहीं से। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आकर के आपको जितना भी डाटा है, आपको उसका बना लेना है डाटा वैलिडेशन फॉर्मेट, डेट सेलेक्ट करने के लिए, वो दिखा रहा हूँ।
यहाँ जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डेटा, डेटा डेटा में डेटा वैलिडेशन पे आएंगे। डेटा वैलिडेशन में जा करके लिस्ट फ्रॉम ए रेंज इसको सेलेक्ट रहने देना है, और इस पे आकर के जो ये आपको चार बॉक्स बन के दिख रहा है, टेबल दिख रहा है रेंज सेलेक्ट करने के लिए, इस पे क्लिक करिए। यहाँ जाइए, यहाँ जाने के बाद आप सेलेक्ट करिए एफपीआई मॉनिटर। क्यों एफपीआई मॉनिटर? क्योंकि अपने को अल्टीमेटली यहाँ पर जो एसेट अंडर कस्टडी वाला डेट है, यही डेट वहां चाहिए। जो आपकी रेंज है वो रेंज सेलेक्ट करिए, आपकी रेंज बड़ी है पूरा बड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ओके, जितना रहेगा डेट वो आएगा, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको देखिए डेट आ गया। जैसे जैसे आप डाटा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका डेट बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा ऐसा आपको डाटा मिलेगा। ओके, ऐसा यहाँ पर जब आपका डेट बढ़ गया यहाँ, ओके यहाँ देखिए, ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली यही उठा करके कॉपी करके कंट्रोल सी दबाइए। ओके, और यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर दीजिए, सिंपल सेलेक्ट करके पेस्ट कर देना है। हर जगह पे वही डाटा आपको, हर जगह पे वही आपको डेटा वैलिडेशन मिल जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है कि यहां पर हम वी लुकअप फंक्शन यूज करके एफपीआई मॉनिटर में जो डाटा रिकॉर्ड हुआ है उस डाटा से अपना यहां पर हम सेक्टोरियल एनालिसिस करने के लिए डाटा लेके आएंगे। तो यहां पर मैं टाइप कर रहा हूं वी लुकअप, वी लुकअप फंक्शन हम यूज करेंगे। तो वी लुकअप टाइप किया, उसके बाद हम इसमें वी लुकअप के पैरामीटर्स चेक करेंगे। ओके, क्या क्या हमें चाहिए इसमें? तो हमें सबसे पहले सर्च की चाहिए, सर्च की वो की जो हमको ढूंढना है उस पर्टिकुलर डाटा के लिए जिसके रिस्पेक्ट में हमको डाटा चाहिए। तो यहाँ पर सर्च की का मीन्स ये हुआ कि आपका ये डेट, ओके, डाटा हमारा स्टेबल रहेगा, डाटा हमारा चेंज नहीं होगा हर बार। तो इसमें हम डाटा चेंज नहीं अगर होने देना है तो हमको F4 से लॉक करना है। तो F4 से लॉक किया हमने इस सेल को, जो ये C है उसके आगे और पीछे उन दोनों वहां पर डॉलर साइन आ गया, F4 से लॉक करना है। ओके, पहले C सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको F4 सेलेक्ट करना है। F4 जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये लॉक हो जाएगा। ओके, नाउ अपने को दूसरा पैरामीटर क्या चाहिए वो देखते हैं। दूसरा चाहिए आपको रेंज। रेंज कहां से आएगा? जहां से आपको डाटा सेलेक्ट करना है, डाटा लाना है, तो कॉमा लगाएंगे, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज हमारा एफपीआई मॉनिटर है, एफपीआई मॉनिटर के अंदर जितना डाटा है वो हमारा रेंज है, हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे। और जब जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा सारा, हम फिर इसको लॉक कर देंगे F4 प्रेस करके, लॉक हो गया। फिर से हम कॉमा लगाएंगे, अगला क्या सेलेक्ट करें, इंडेक्स, किस जगह पर डाटा है, कि किस कॉलम में डाटा है, अभी कौन से कॉलम में है, बी में है, बी में है। क्यों? एसेट अंडर कस्टडी एज ऑन डेट जो है नेट नेट उस सेक्टर के लिए, तो वो कहां पर अवेलेबल है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर 2 है, बी का नंबर कितना हुआ, 2, कॉलम नंबर 2 या कॉलम नंबर बी, कॉलम नंबर सी यानी 3, तो इसलिए यहां पर 2 लिखा। उसके बाद इज शॉर्टेड, ओके, क्या है, 1, ट्रू और फॉल्स, 1 और 0। तो यहां पर मैंने इज शॉर्टेड को 1 से रिप्रेजेंट किया, 1 का मीन्स ट्रू। देन हम इसको अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ओके, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, अपने को डाटा मिल जाएगा। ओके, इसी तरह से हम बाकी सभी के लिए कर लेंगे। ओके, जैसे यहां है तो इसको ही हम सेम टू सेम कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद यहां देखेंगे तो अभी चेंज कर सकते हैं। डेट अपना सही है, डेट में अपने को सी नहीं चाहिए, अब डेट अपने को क्या चाहिए, डी चाहिए। क्यों? यहां पर डेट हमको डी में है, यहाँ इस वाले डेट की हम बात कर रहे हैं, तो ये सी नहीं चाहिए हमको, सिर्फ डी चाहिए। ठीक है, डी चाहिए। ओके, अब डी के बाद अपने को डाटा कहां से लाना है, डाटा वहीं से आना है, लेकिन अपने को क्या है, ये रिसेंट एक्शन की बात कर रहा हूं। व्हाट इज द रिसेंट एक्शन? जो नेट 15 डेज में चेंज हुआ है, यहां देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं अपनी शीट में,
मैं दिखाता हूँ इसमें आपको कि किस तरह से मैंने सेक्टोरियल एनालिसिस करने के लिए इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने इसका डैशबोर्ड रख रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका नेट एसेट अंडर कस्टडी है पर्टिकुलर उस डेट को। जैसे तो यहाँ पर देखेंगे तो मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो 31 मार्च को जो नेट अंडर नेट एसेट अंडर कस्टडी है वो ये है, ओके। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये है पर्टिकुलर उस 15 दिन का चेंज। तो यहाँ जैसे देखिए 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में क्या नेट चेंज हुआ है, तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में, 16 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में जो चेंज हुआ है वो इतना चेंज हुआ है नेट नेट, ओके। यहाँ पर इतना चेंज हुआ है लास्ट 15 डेज में, इतना आया हुआ है, ओके। वहीं पर इसमें ये वाला मेंशन है, यही। तो यहां पर आप जो करेंगे, यहां इसके लिए चेंज वाला करेंगे, रिसेंट एक्शन वाला, या 15 डेज का कर सकते हैं, जो भी आपको नाम देना दीजिए। अब यहां क्या होगा, ये 2 की जगह कॉलम नंबर 3 आएगा, क्यों? अभी मैंने आपको दिखाया था सी सी, ये वाला सी वाला क्या है, नेट 15 डेज का लास्ट चेंज है, ओके। यहां पर देखिए 153 32 153 32। तो इस तरह से आप वी लुकअप फंक्शन यूज करके यहाँ काम कर सकते हैं। इसमें जब आप डेट चेंज करेंगे तो ये डाटा चेंज हो जाएगा, ये ओके। यहाँ जब भी आप डेट चेंज करेंगे तब डाटा चेंज हो जाएगा, समझ गए? तो इससे इस तरह से आप ना इसको क्रिएट कर सकते हैं, ओके। नाउ अब हम इस वाले पॉइंट पे आते हैं कि ये अपना जो डाटा अपडेट करने वाला बटन है ये कैसे आएगा। तो ये कस्टमाइज मेन्यू है, मैंने इसको यहां पर लगाया है हेल्प के बगल में। कुछ लोगों में एक और ऑप्शन आएगा, वो एक्सेसिबिलिटी का होता है, बट आपको ये एफपीआई डाटा कहाँ से मिलेगा, एफपीआई वाला जो ये बटन है ये कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट इसको हम क्लोज कर देते हैं अभी, ओके ओके, ये सब तो हो गया है आपका, ये भी क्लोज कर देते हैं। यहां आते हैं, अब इसमें देखिए जब इसको आप अपने लिए यूज करने के लिए करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आप एडिट तो कर नहीं सकते हैं बिकॉज ये प्राइवेट लेवल पे रहेगा, ओके। लेकिन इसमें कुछ मैंने ऑन कर रखे हैं, कुछ इसमें मैंने व्यूअर्स एंड कमेंटेटर्स कैन सी द ऑप्शन टू डाउनलोड प्रिंट एंड कॉपी, मतलब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए सिंपली क्या करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दे रहा हूँ, इस सीट का, वो सीट अवेलेबल रहेगी, ओके। यहाँ पर मैंने कॉपी का राइट्स दे रखा है, आप कॉपी कर सकते हैं। मेक अ कॉपी करना है, कैसे करना है वो ध्यान से देखिए, बाद में आप लोग इस पे रिक्वेस्ट करेंगे एडिट के लिए वो फिर नहीं मिलेगा। यहाँ सिंपली आपको जाना है, अपने लिए कॉपी क्रिएट करनी है, मेक अ कॉपी, ओके। मेक अ कॉपी, मेक अ कॉपी क्रिएट करेंगे, आप नाम जो आपको यूज करना है यहाँ वो नाम रखिए, कोई इशू नहीं है। मेक अ कॉपी करिए, इसमें एक सीट का नाम नहीं चेंज करना है, वो मैंने आपको बताया है, इस वाली सीट का नाम नहीं चेंज करना है। सीट में किसी का नाम मत चेंज करिएगा इनका, बाकी बाहर आप चेंज कर सकते हैं, ओके। इनका नाम चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें कॉपी ऑफ को हटा करके इतना भी यूज कर सकते हैं, ओके। अब आप देखेंगे कि आपके शीट में जिस तरह से यहां पर FPI डाटा का बटन आया उस तरह से यहां नहीं आ रहा है, ओके। तो कैसे आएगा, चलिए यहां पर आ गया क्योंकि ये मेरे पास ही एक्सेस है, मेरे ही पास है, तो आ गया। आपके पास नहीं आएगा, ये बटन नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है एक्सटेंशन पे, ओके। आपको जाना है ऐप स्क्रिप्ट पे, ऐप स्क्रिप्ट ओपन होने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है रन, यहां रन पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये रिव्यू परमिशन बोलेगा। अगर आपको आपके स्क्रीन पे अगर ये डाटा यहीं पर दिख जाता है तो यहीं पर आपको अपडेट करना है, वो भी आपका यही प्रोसेस करेगा, ये रिव्यू परमिशन वाला, ओके। फर्स्ट टाइम पे आपको रिव्यू परमिशन पे क्लिक करना होगा, आपको इस तरह से ये आपके गूगल अकाउंट पे शिफ्ट करेगा। गूगल अकाउंट पे आपको क्लिक करना है, अपने एडवांस पे क्लिक करना है, सेक्टर वाइज मॉनिटर अनसे ये वाला आपको क्लिक करना है, यहां अलाउ क्लिक करना है,
या आपका जैसे ही सक्सेस होगा तो ये आपका एग्जीक्यूशन एक बार कंप्लीट हो जाएगा। फिर से बता देता हूं मैं आपको, जितना अभी मैंने प्रोसेस किया, अगर आपके स्क्रीन पे ये बटन दिखता है तो बहुत अच्छी बात है, यहां से ही डायरेक्टली आपको हो जाएगा ये सेम प्रोसेस। नहीं दिखता है तो आपको एक्सटेंशन में जाना पड़ेगा। ओके, ये पर्टिकुलर कोड को भी मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस वाले कोड को आप, अगर आपका यहां पर नहीं आता है कोड, कॉपी नहीं होता है, तो यहां पेस्ट कर सकते हैं। ओके, इस शीट में शायद ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक कवर किए, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। फिर भी अगर मेरे से कोई चीज छूट गई है, कोई टॉपिक ऐसा है जो आप लोगों के कमेंट्स में आए हो, या आप लोग सोच रहे थे कि मैं इस वीडियो में कवर करूंगा लेकिन मैंने कवर नहीं किया, तो आप मुझे दोबारा से कमेंट में बता सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा से आप लोगों के कमेंट्स के जवाब दूं, मैं कमेंट्स में बहुत एक्टिव रहता हूं, आपने देखा है। और अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल द थिंग्स, मैं इन सब चीजों के अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी को इंटरेस्ट है कि वो डायरेक्टली सीट लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं डायरेक्टली सीट लेने के लिए, दैट इज अ चार्जेबल बेसिस सीट, दिस इज पर्टिकुलर। ओके, इस सीट का एक पर्टिकुलर चार्ज है, वो आप ले सकते हैं, ₹500 पर शीट है, और वो भी 1 साल के ही लिए वैलिड होगी, जिसमें कि डाटा आपको मैं अकेले दूंगा लेकिन डाटा का बैकएंड नहीं दूंगा। इस तरह से आपको अगर डाटा का बैकएंड वगैरह क्रिएट करना है तो अपना क्रिएट कर लीजिए। ऑलमोस्ट 100% चीजें मैंने आपको फ्री में शेयर किया है यहाँ पर, आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको ऐसी रेडीमेड शीट चाहिए तो पूरे 1 साल के लिए ₹500 का चार्ज रहेगा। जनरली ये ₹600 होता था, अभी तक भी ₹600 ही था। ये ₹500 क्यों मैं बोल रहा हूँ, जस्ट 50 रुपये मंथली है ये। ओके, तो ₹600 मंथली, ये ईयरली होता है, यहाँ आप रेडी टू यूज सीट ले सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर FIA का डाटा, सिर्फ FPI का डाटा मिलेगा, FIA का नहीं मिलेगा। ओके, कुछ इसमें डाटा FIAs के भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि बहुत सारे अपने मेंबर्स यूज कर रहे हैं, वो ₹600 मंथली यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपका केस है कि FPI का डाटा आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कुछ और भी चीजें आपको दिखा देता हूँ, और धीरे धीरे वो एक एक चीजें मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस में दिखा दूंगा। इनके अलावा भी मैं बहुत सारे कस्टमाइज टूल्स मैंने क्रिएट किए हैं, पर्सन्स की नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज पर्सनलाइज टूल्स। सपोज ऑप्शन चेन में मैंने बहुत सारे टूल्स अभी तक डेवलप कर दिए हैं, पर्सनल लेवल पे जो पर्सनलाइज टूल्स बोल सकते हैं, जो पर्टिकुलर किसी यूजर को चाहिए थे, तो उन सबसे है ये। अगर आप में से किसी को कुछ पर्सनलाइज वर्क कराना है, कस्टमाइज वर्क कराना है, प्रीमियम वर्क कराना है, तो आप मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। आपने देखा है मैंने मैक्सिमम वीडियोस में बता रखे हैं, अपने नंबर्स भी दे देता हूं मैं आपको, फिर भी यहां पर मैं आपको दे देता हूं, दोबारा से आप देख लीजिए, और आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू द व्हाट्सएप। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, 9999 7287 19, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, यहाँ पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, और आपको मैं बता दूंगा क्या चार्जेस हैं शीट पर्टिकुलर आपका कस्टमाइज बनाने के लिए। तो मिलते हैं इस वीडियो में, जो ये सारी चीजें थी वो सारी मैंने कवर किया है। अब अगली वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ अगले दूसरे टूल्स के साथ में, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, और थोड़ा सा बीच में काफी ज्यादा गैप हुआ मेरी दो वीडियोस में, तो उसका रीजन यही था कि मैं पर्टिकुलर उस टूल्स से रिलेटेड सॉल्यूशन उस टूल से रिलेटेड सॉल्यूशन लेकर के ही आना चाहता था। तो इस टूल्स में मैंने दिखाया किस तरह से आपके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, मैंने बहुत कोशिश किया कि HTML फंक्शन के थ्रू ऑटोमेट हो जाए, बट वो चीजें नहीं हो पाई, लेकिन अल्टीमेटली मैंने आपको सब्स्टिट्यूट दिया, और ये टूल्स आपके लिए यूजफुल है, और आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल टूल है, आप इसमें यूज करके देखिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, गुड बाय।